तो आज से कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि सदाकत हमने एक वीडियो बनानी है, तो मैंने उन्हें सॉफ्ट इनकार कर दिया। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं बना सकता क्योंकि आई हैव नो प्रोफेशनल गैजेट्स एंड आप किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करें। मगर जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई पूरी तो वहाँ मैं पिघल गया। चलें आपको भी स्टोरी बताते हैं, साथ साथ चलना होगा, ऐसे कैसे बता दें हैं। और एक प्लस पॉइंट है जी कि जो मीटिंग पॉइंट है वो घर के पास ही है, तो चलते हैं फिर उधर देखते हैं जाके क्या सीन होता है। ओके जी, तो जाना कहीं और था, आ हम कहीं और गए। जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ केड़िया की ज़मीन में, और जहाँ एक खूबसूरत पार्क बन रहा है वर्ल्ड बैंक के तावन से, जो कि ज़ेर निगरानी है DCRIP, एक अदारा है उसके निगरानी में। और ये पार्क जो कि कोडी का हर बंदा जानता है। राइट नाउ आई एम इन गोरी पार्क, अल मशहूर थलेर पार्क, और आए आपको यहाँ के सीन चेक करवाते हैं। ओके, तो ये जो पार्क है अभी तक फुली तौर पर तैयार नहीं हुआ, अभी जो प्लांट्स और ये घास वगैरह रहते हैं वो भी रहता है यहाँ लगाने के लिए। और अभी आए यहाँ पूछते हैं जो हमारे इधर कि जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनको प्लांट्स वगैरह, कि यहाँ किस किस्म के प्लांट्स वगैरह लगने वाले। मेरी नर्सरी है अलफला बैंक के साथ, इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ पर घास लगानी है अच्छी किस्म की और अच्छे पौधे लगाने हैं, सायादार फूलदार, और इसकी प्लांटेशन जो है वो अच्छे तरीके से करनी है और घास अच्छा लगाना है। और फिर मेरी इनके साथ बात तय हुई है और मैंने कहा कि इसको हम ग्रीन बनाएंगे और पौधे जो लगाएंगे सब्ज़ और फूलदार और सही जो नस्ल वाले पौधे होंगे वो लगाएंगे। हम साईवाल, कसूर, पेशावर, हरीपुर से मुख्तलिफ जगहों से लेकर आते हैं नस्ली पौधे जो है ना। Okay. फिर आगे हम फरोख्त करते हैं यहाँ पर कोटली शहर में। और मुझे सर बताएं ये कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं इस पार्क में आप? यहाँ पर एक पांडा फैकस है और टेबल पाम, अवाई फैकस है और सरू है, मोरपंक हैं और मुख्तलिफ किस्म के आला किस्म के पौधे जो इधर लगा रहे हैं हम। ओके, जो ये पार्क है वो पहले से बेहतर बन रहा है। इन्होंने हमें इनवाइट किया, इन्होंने कहा कि जब ये फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, आप दोबारा यहाँ की विजिट करेंगे अपनी ऑडियंस को दिखें। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट कोटली वालों। आर यू रेडी फॉर दिस ट्रिप? आर यू रेडी फॉर दिस प्लेस टू विजिट? ओके जी, तो आज का दिन है, इसे हम प्रोडक्टिव तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और आज हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब के बारे में कोई नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो पता नहीं वो दुनिया के किस खड्डे में रह रहा है। यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जिसे गूगल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च के इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब एक गुरु है, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी हो आप जैसे सर्च करें और कोई ना कोई क्लू आपको इसमें मिल जाता है। इन जनरल यूट्यूब पे दो किस्म के लोग होते हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, यानी एक वीडियो बनाने वाला और वीडियो देखने वाला। और मैं तकरीबन 3 साल से जैसी कैसी भी है यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते जा रहा हूँ। और अब लोग मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब से क्या मिलता है, तो यूट्यूब से बहुत मिलता है। लाइक सबसे पहले आता है फैम, लोग आपको जानते हैं, कहीं आप जा रहे हैं कोई आपसे पूछता है यार आप वो आप सदाकत हो, मैंने आपकी वीडियो देखी है। फिर आता है सर जी पैसा, ऑब्वियसली पैसा मिलता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, जो कि मैं नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आता है आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपको बोलने का तरीका। आप जब कहीं लोगों के सामने शर्मा रहे होते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के बाद ऐसा नहीं होता। और अभी देख रहे हैं इस वक्त मेरे इर्द गिर्द कितने बंदे हैं एंड दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन मी, कोई मसला नहीं है, मैं अभी कैमरे से बात करूँ। और एक बड़ी बात कि आपको सेम जनर के लोग मिलते हैं, यानी कि आपको आप जैसे ही क्रिएटर मिलते हैं। और मैंने नोट किया है जी कि जो जो नए क्रिएटर्स हमारे आ रहे हैं लोग ये समझ रहे हैं कि इस फील्ड में कंपटीशन हो गया है और जो पुराने क्रिएटर्स हैं वो शायद छोड़ देंगे, तो सर ऐसा नहीं है। हाँ, इस फील्ड में कंपटीशन है, कंपटीशन आप खुद के साथ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और जितना आप अच्छा काम करोगे इतना ही ज़्यादा डेवलप होगे। सो बीइंग अ ओल्ड क्रिएटर ऑफ माय सिटी, आई लव टू गाइड न्यू गाइज एंड आई अप्रिशिएट दोज जो कि आना चाहते हैं। और आज मेरे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त विक्की भाई। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम जो है विकास अहमद है, विकास विकी,
तो मैंने रिसेंटली जो है व्लॉगिंग स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तो मैं भी यही चाहता था कि जो है ना हमारी जो कश्मीर है इसकी जो खूबसूरती है इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने कॉन्टेक्ट किया हमारे भाई के साथ, तो इन्होंने भी मेरी काफ़ी जो है हेल्प की है, तो इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपने करना है, पीछे नहीं हटना, लोगों की नहीं सुननी। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपने क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है ताकि हम इजीली जो है अपना वर्क जारी रख सकें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वेलकम टू द नेक्स्ट डे, और वक्त हुआ है 5 PM, सो मीटिंग इज डन, आई हैव मेट सम स्पेशल पीपल्स। हम डोनेशन टाइम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम इसमें ये करना चाह रहे हैं कि हम बुजुर्ग लोग जो है उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है कि उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे कि वो ऐसी एज में काम करें। मोस्टली हम लोग देखते हैं आगे पीछे बूढ़े लोग भीख मांग रहे होते हैं, तो इस वजह से हम ऐसे लोगों के लिए डोनेशन इकट्ठी करें और उनकी मदद करें। हमने इस ईयर से अपनी डोनेशन स्टार्ट की है, तो हमें जो पहला प्रोजेक्ट मिला एक बाबा जी थे जिनके घर हम लोग आए, उनके बारे में जाना है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादा कमा भी नहीं सकता, ज़्यादा मेहनत रब दे ना दे, आटा उटा लेने अपना माड़ा मोटा रोटी खा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी तरह जितने बुजुर्ग लोग हमें मिलेंगे हम उनकी हेल्प करेंगे, अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत हुई हम उनका इलाज करवाएंगे, अगर उन्हें सौदा साल की ज़रूरत हुई हम वहाँ उन्हें देंगे, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत हुई तो हम वो भी उन्हें देंगे। एंड दिस गर्ल्स आर डूइंग दिस ऑन देयर ओन बिहाफ, व्हाट्सएप के ग्रुप से स्टार्ट किया, वहाँ से कलेक्शन इकट्ठी की, एंड नाउ दे आर वास्टिंग इट अप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। इनका अपना अकाउंट है, यू कैन फॉलो देम, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इस नए काम में हिस्सा लेना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देयर। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद इन लोगों की अप्रिसिएशन करना है, और जो भी बंदा ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा माई फुल सपोर्ट इज़ विद देम। सो इफ़ यू कंसीडर दैट दीज गर्ल्स आर डूइंग गुड जॉब, आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक फैले, एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।